बिहार में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों की वजह जानने और हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की विशेष टीम बिहार पहुंची। बता दें कि बिहार में 10 दिन के अंदर दुगने केस सामने आ रहे हैं। कोरोना का कहर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब बिहार में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बिहार में छलांग लगा रही कोरोना संक्रमितों की संख्या से स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले 10 दिनों में ये मामले दुगने हो गए। हफ्ते भर में रोज करीब 1000 संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार की विशेष टीम हालात का जायजा लेने के लिए बिहार पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि केंद्र द्वारा बिहार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिहार में कोरोना विस्फोट के हालात ये हैं कि मरीजों की संख्या 25,000 पहुंच चुकी है। लगातार बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित केंद्र सरकार की भेजी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में रविवार को दोपहर 12 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंची। ये हाई लेवल टीम बिहार में कोरोना की स्थिति पर ऑन स्पॉट तथा अधिकारियों से जानकारी लेगी। टीम किसी कंटेनमेंट जोन का दौरा भी कर वहां कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति और राज्य सरकार की कार्रवाई को देखेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद टीम लगाकर जिले का दौरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम लगातार उठा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर बिहार की स्थिति पर है। सरकार ने कोरोना की जांच के लिए पिछले हफ्ते 50,000 किट मंगवाए थे। इस किट से महज आधे घंटे में कोरोना संक्रमण की जांच हो जाती है। 50,000 और रैपिड एंटीजन किट बिहार पहुंच गई हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण का जायजा लेने पहुंची है, जिसकी रिपोर्ट टीम जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपेगी। वैसे तो कोरोना के कहर से लगभग पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन भारत में 10,70,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। बिहार में भी संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार है। बिहार सरकार को इस पर काबू पाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।